भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादास्पद बयान सामने आया है। उनका कहना है कि महिलाएं तथा 16 साल की बच्चियां शराब और कोरेक्स का सेवन कर रही हैं। पिछले 70 साल में लोगों का डीएनए बदल गया है। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र के एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए हैं। भाजपा सांसद ने महिलाओं और बच्चियों को शराब और कोरेक्स जैसे नशीले पदार्थ का आदि बताया है। वहीं सांसद ने कहा कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस के 70 वर्ष के शासन ने लोगों का डीएनए बदल डाला, जिसके बाद सांसद के आसपास बैठे लोग भी खुद को असहज महसूस करने लगे। सांसद मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा लोगों का खून गलत हो चुका है, जिसे फिर से बदलने की आवश्यकता है। दरअसल केंद्र सरकार की एक वर्ष की उपलब्धि गिनाने को लेकर भाजपा सांसद ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तभी विवादित बयान दे दिया। कई क्लासिफिकेशन कर रखा है उन्होंने, कुपोषित, अति कुपोषित, सामान्य, इस तरह से 3 श्रेणियां हैं उनकी। तो वो चाहे जो भी हो, उन्होंने अपना बना लिया जितना बनाना। हम तो 80% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं इस जिले में। 80% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। जो लोग ये समझते हैं ना कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, सब ये कुपोषित बच्चे पैदा, 80% बच्चे पैदा कुपोषित हो रहे हैं। ये एक आश्चर्य है। सांसद जी क्यों पैदा हो रहे हैं? अब वो पता नहीं क्यों पैदा हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मतलब नहीं है इसमें कई चीजें हैं, केवल अकेले गवर्नमेंट का मामला नहीं है ये। महिला भैया, कुपोषण केवल सरकारी प्रयासों से दूर नहीं होगा, कुपोषण के कई कारण है। खान पान भी गड़बड़ी है। आप चाउमीन खाओगे और स्वस्थ बच्चे पैदा होगा? चाउमीन खाने से स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होगा। कुपोषण के लिए कई शहर वाले चाउमीन खाते कि गांव वाले? गांव वाले भी चले जाओ ना, तमाशा देखो। शराब पीने से कुपोषित बच्चा पैदा होगा? वो बचेगा? आखिर कुछ तो खा रहे हैं लोग, यहाँ खाने को शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा है, आदमी पी रहा है क्या? औरत औरत, आप दूर समाज कहाँ हो? 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरेक्स पी रही, आप तो समाज से बहुत दूर हो। सांसद के इस विवादित बयान को लेकर के महिला कांग्रेस ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने थाली बजाकर इसका विरोध किया और भगवान भोलेनाथ से सांसद को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने चिरहुला मंदिर में हवन कर सांसद को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कल उन्होंने कहा कि महिलाएं शराब पीती हैं, 15-16 साल की लड़कियां कोरेक्स पीती हैं, शराब पीती हैं, चाउमीन खाती हैं, इसीलिए बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। मैं पूछती हूं कि आखिर उनके परिवार में उनकी उनके घर की महिलाएं शराब पीती हैं या उनकी जो मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी का ऐसी संस्कृति है क्या? जब वो पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या उनका यही मतलब है कि उनके यहाँ शराब पिया जाता है? यदि मध्य प्रदेश में कुपोषण नंबर 1 रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं ऐसे सांसद की निंदा करती हूँ। पूरी नारी शक्ति आज एक साथ खड़ी है, बेलन लेके रिवा जिले की महिलाएं यहाँ पर उतरी हुई हैं और उनसे सांसद जी से मैं साफ साफ स्पष्टता के साथ कहती हूँ कि अपना बयान वापस लें। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है, उस बयान को वापस लें और माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग उनके घर धावा बोलेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको उनको वापस लेना पड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे विक्षिप्त सांसद से माफी मंगवाएं। हम उनसे माफी मांगने का पूरी नारी शक्ति पूरे रीवा जिले की बाहर निकली हुई है, एक एक औरत, एक एक महिला उनसे साफ साफ कह रही है कि आपको माफी मांगना पड़ेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मोदी जी माफी मांगे, क्योंकि उनके सांसद लगातार नारी का अपमान कर रहे हैं और नारी का अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद जी काफी बीमार लग रहे हैं, काफी दिनों से बीमार हैं। अभी लॉकडाउन में उन्होंने व्यक्तिगत बयान दिया था, डॉक्टर राजेश सिंघल जी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। तो इस तरह के बयान का जी लगातार करते रहते हैं और मानसिक रोगी, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी है या किसी अव्वल दर्जे का कोई ऐसा नशा करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज़।
आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।